नौ। हाँ, या अभी हमारा ये हम अभी फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ये, व्हाट कैन मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजर टू चेक द आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करते हैं हम इन दिस वे, या ऑन ए ब्लैक बोर्ड, या ये ऐसे करेंगे हम। वन, एक मिनट, या वन 17 नहीं जा रहा, जीरो, यहाँ पे भी जीरो आ गया, पॉइंट के बाद भी जीरो आ गया, जीरो, 5, 75, 35, 85, यहाँ पे 5, 1, 0, ठीक है, 17, 8 का 8, 56, 8, 1, 8, 13, यहाँ पे डेसिमल क्या आ गया हमारे पास, 4, 1, 0, ठीक है। और सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे हमारे पास 36, और यहाँ पे आएगा 136, हाँ 140, और यहाँ पे आएगा हमारे पास फिर 17, 8 का था, अब हम 7, 9, 7, 49, और 119, और हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, एक सौ उन्नीस, एक मिनट, 7, 7, 49, 7, 4, 11, और 8 का 136, सॉरी सॉरी, यहाँ पे वन मिनट, कैलकुलेशन इज़ रॉन्ग, हाँ 136 ही आएगा यहाँ पे, द्वारा 8 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास डेसिमल क्या आएगा, 4 आएगा, 40, ठीक है। और फिर हमारे पास 17, यहाँ पे 8 टू टाइम्स हो गया, और ये, और यहाँ पे फिर 2, 34, 6, 0, हाँ 17, 7, 28, 4, अगर 4, अगर 4 से करें, 7, 4, 7, 28, और 6, 28, हाँ नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा, या 21, 51 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया हमारे पास, 0, और 17, 5 का 85, 85 ना, या यहाँ पे हमारे पास क्या 5 रिमाइंडर आ गया, 0, 17, 2 का 34, यहाँ पे 6, 1, 0, 9 का 97 ना 63, और 9, 1, 9, 17, 16, 160, 150, नहीं अच्छा एक मिनट, हाँ 79 का कितना हुआ, 63, और 15, 9, 6, 15 ना 153 हो गया, और यहाँ पे 7 आ गया, 70, और यहाँ पे फिर क्या आएगा, 17, 5 का 85 था, और 17, 4 का 17, 4, 28, और 68, यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 2 आ गया, यहाँ पे कर देता हूँ मैं,
लॉन्ग कैलकुलेशन है यहाँ पे। यहाँ पे हमारा है टू रिमाइंडर आ गया 20, ठीक है, और यहाँ पे 17 का 17, और फिर हमारा 3 रिमाइंडर आ गया 30, ठीक है, फिर 17 द 17, और यहाँ पे फिर हमारे पास 3, और यहाँ पे 130 आ गया, और हमारे पास 7, ठीक है, यहाँ पे हाँ 130 था, मैं इसको रब कर रहा हूँ अभी इसको, हाँ जो हमने पहले कर लिया था, या हाँ अब हमारे पास 130 है, 130 था, 130, 77 था 49, 73 था 21, 25, और सेवन सेवन द 49, सेवन 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 द 49, 7 4 11, सॉरी 119, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 1 1 और 0, ठीक है, और यहाँ पे फिर हमारे पास 17 6 का 42, और 6 4 10, 42, हाँ 102, यहाँ पे 8 आ गया 0, ठीक है, और फिर 80 का 4, यहाँ पे हमारे पास 4 का क्या आ जाएगा, 80 था ना यहाँ पे 80, इसके नीचे क्या आएगा, 47 था 28, और यहाँ पे 2, और 41 था 4 6 4 7 28 68, और यहाँ पे हमारे पास 12 रिमाइंडर आ गया, और 120, और हमारे पास अभी 17 6 का 102, और ये था 17 7 का 49, 7 का 49 49 और 11, 119, और यहाँ पे 1 फिर रिमाइंडर आ गया, ओके, या यहाँ पे फिर ये 100 हो गया, यहाँ से आगे, अब यहाँ से आगे ये रिपीट होगा, ठीक है, हमारे पास कितने हो गए, 1, ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 के बाद इसकी रिपीटेशन हो रही है, ठीक है, या आप 14 डेसिमल प्लेसेस पे रेपिटेशन, ओके, या नाउ वी विल गो टू अनदर क्वेश्चन, इट विल टेक टू मच टाइम, फर्स्ट इट इज टेकन टू मच टाइम अवर नाउ, हाँ लुक एट सेवर एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द पी बाई क्यू होम वेयर पी क्यू आर विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैन यू गैस वट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, ये कह रहा है वि जो टर्मिनेटिंग हमारे होने चाहिए, ठीक है, लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने ले ली 2/5, ठीक है, इसका इसका टर्मिनेट हो रहा है 0.4, मेरी सेकेंड एग्जाम्पल ले लो 5/2, ये 2.5 टर्मिनेटिंग है, ठीक है, ये भी टर्मिनेटिंग है, सॉरी सॉरी एक मिनट, आप यहाँ बोर्ड बोर्ड पे देखें, हाँ या
ये जैसे हमारे पास 2x5 और सेकेंड 5x2, ये बोथ आर टर्मिनेटिंग लाइक 2x5 क्या होगा 0.5 और 5x2 2.5। और अगर हम ये मैं थर्ड एग्जांपल लूँ जिसमें 1x5, ये भी टर्मिनेटिंग ही है। अगर मैं फोर्थ एग्जांपल लूँ जिसमें 1/3 है, इट इज़ नॉट टर्मिनेटिंग। अगर फिफ्थ एग्जांपल लूँ 1/7, 0.1 7321, ऐसे मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गए, ये आर नॉन, दीज आर टर्मिनेटिंग। ओके, या गेट माई पॉइंट? अब जो हमारा क्यू है वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए? क्यू है जो हमारा, ये मस्ट बी फैक्टर ऑफ 2 एंड 5, दिस इज आवर आंसर। फॉर टर्मिनेटिंग ओके या नाउ वी विल गो टू फर्दर ओके या राइट थ्री रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। हाँ, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, ये हमारी इरेशनल नंबर की ये जो हमारी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, इट इज डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। ओके, या यू विल सी इन द बुकलेट ऑल्सो, यू हैव सीन लाइक दिस लास्ट एग्जाम्पल इज, या दिस इज, इन दिस वे यू कैन टेन एनी नंबर इन दिस वे लाइक, या इन बोर्ड आए थे वही, या फर्स्ट 0.10 100 1000 1 4x0, फिर 1 5x0, या ऐसे जा सकते हैं। और सेकेंड नंबर जस्ट हमें 3 नंबर चाहिए, यू विल मल्टीप्लाई एनी नंबर और यू विल गेट 2 0 2 00 2 000 2 4x0 2 5x0, या ऐसे ही आप 0.30 3 00 3 000 3 4x0 3 5x0, या इन दिस वे दिस इज ओके। या नाउ एट्थ क्वेश्चन इज फाइंड द डिफरेंट रैशनल नंबर बिटवीन इरेशनल नंबर्स 5x7 एंड 9x11। फर्स्ट वी विल फॉर्म इन द डेसिमल फॉर्म टू दिस 5x7 एंड 9x11। फाइव बाई सेवन और 9x11, या फर्स्ट 5.0 आ गया, 7 7 द 49, 10 7 1 द 7, 30 7 3 द 7 4 द 28, 20 जो हमारा ये 20 आया है। हाँ, या 20 को कैसे करेंगे,
7 to the 14, 6 0, 7 8 का 56, 4 0, 7 5 का 35, या आफ्टर दैट देर विल बी, यहाँ पे हमारा 5 रिमाइंडर आ गया जो हमारा शुरू में था, ठीक है, 5, ठीक है, इसके बाद ये रिपीट होगा, या ठीक है, हमारा जो 5/7 है इसका तो हमारे पास ये आ गया ना 0.714285, ओके, या नाउ वी विल फाइंड आउट द 9/11 आल्सो. कोई नहीं, रब हो गया, या आप कर लेना, मैंने पहले ही कर रखी है इसकी कैलकुलेशन भी, द्वारा देख लेते हैं. 5/7 का हमारे पास ये आ गया था ना 0.714285, और जो ये ऐसे था, और 9/11 का हमने निकालना था अभी 9/11. या देयर विल बी 0.81, ठीक है, इट विल बी रिपीटिंग इन दिस वे, ओके, सॉरी, देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन माई ब्लैक बोर्ड, सो आई विल राइट नाउ डायरेक्टली. 5/7 इज इक्वल टू 0.714285, और जो ये 9/11 इसका है 0.81, या यू विल राइट इन दिस वे आल्सो. और लाओ, या नाउ देयर विल बी डेसिमल प्लेसेस आर, वी विल फाइंड आउट सिंपल वे, फर्स्ट 0.720200200240, या इन दिस वे, दिस इज और लाइक इन दिस वे 0.7303000300340, या लाइक इन दिस वे 0.4040400004000, या इन दिस वे वी विल फाइंड आउट द आंसर, ओके. नाउ 9th क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल, ठीक है, हाँ, या रैशनल नंबर कौन से थे, एनी नंबर, या आई विल सी लास्ट, रैशनल कौन से थे, एनी नंबर पी बाय क्यू फॉर्म में लिखे जाए, और क्यू है जो ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, और इरेशनल नंबर कौन से थे, नॉन
टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, ओके या नाउ इन दिस बुकलेट अंडर 223 इज प्राइम नंबर. प्राइम नंबर इज ऑलवेज सेम वे, इट इज ए इरेशनल नंबर. या नाउ फर्स्ट 23 प्राइम नंबर, प्राइम नंबर स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर इज इरेशनल. ओके नाउ अनदर क्वेश्चन. 225 स्क्वायर रूट ऑफ 225 225 इसका स्क्वायर रूट 15 आ जाएगा. सो इट रिप्रेजेंट 15/1, इट इज रैशनल. ओके नाउ अनदर नंबर 0.376796. थर्ड 0.3rd नंबर इज 0.3796. इट इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग रैशनल नंबर. ठीक है नाउ अनदर नंबर 7.4784 सेवन. ठीक है या नाउ सेवन पॉइंट फोर एट क्या था नंबर, एक मिनट सॉरी या 7.478 आगे था 78 फिर 478. ओके या 478 इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर. सो रैशनल नंबर. या अनदर क्वेश्चन इज 1.1 आप दिख ही रहा है हमें, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग जो हमारा लास्ट नंबर है फिफ्थ है जो 1.1010001000 1 4 times 0 या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग इरेशनल नंबर. ओके इन दिस वे वी विल गेट द आंसर. ओके एंड थैंक यू.